हेलो गाइज, वेलकम टू टेक्निकल काम दे। और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने न्यू टेम्पलेट वीडियो लेके आ चुका हूँ दोस्तों। तभी दोस्तों, जो आप स्टार्टिंग में ये वीडियो देखे दोस्तों, इसी तरह के स्टेटस वीडियो दोस्तों आज मैं आपको एडिट करना सिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो गाइज, इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपके पास VN एप्लीकेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास VN एप्लीकेशन है तो सिंपल आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके इसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से भी इसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिएगा जी, अपने VN ऐप को ओपन कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अपने VN ऐप को ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो सिंपल दोस्तों, आपको इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको वीडियो फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल दोस्तों आपको फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, अपने गैलरी से दोस्तों आपको 30 फोटो को ऐड कर लेना है दोस्तों, जिसका आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ से 30 फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने 13 फोटो को ऐड कर लिया। इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरे सारे फोटो आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट तक कुछ इस तरह से चले आना है। और यहाँ से दोस्तों, आपको ब्लैक स्क्रीन के लेयर पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से इनको डिलीट कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको वीडियो के फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको ऊपर में ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों, आपको 9x16 साइज को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको इस म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर म्यूजिक पर चले जाना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों, इस म्यूजिक को ऐड कर लेना है। इस म्यूजिक का लिंक दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ से इनको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको नीचे म्यूजिक बीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों, आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर दोस्तों, 9.2 सेकंड में दोस्तों इस बीट को ऐड कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको फर्स्ट फोटो को दोस्तों फर्स्ट बीट तक ले जाना है कुछ इस तरह से दोस्तों, सेलेक्ट करके। इसके बाद दोस्तों, आपको वीडियो फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है। इसके बाद दोस्तों, आपको फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पर जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों, आपको जूम आउट वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है, और यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोबारा दोस्तों आपको जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों, आपको जूम इन वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है, और सेव कर देना है। इसी तरह दोस्तों, आपको एक फोटो में दोस्तों जूम आउट वाले इफेक्ट को ऐड करना है, और एक फोटो में दोस्तों आपको जूम इन वाले इफेक्ट को ऐड करना है। इसी तरह दोस्तों, आपको सारे फोटो में ऐड कर देना है इफेक्ट को। इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने सारे फोटो में इस तरह के इफेक्ट ऐड कर दिए। इसके बाद दोस्तों, आपको वीडियो फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों, आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से दोस्तों, और इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों, आपको ब्लैक वाले इफेक्ट को ऐड करना है, और यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों, आपको व्हाइट वाले इफेक्ट को ऐड कर देना है। इसी तरह दोस्तों, आपको सारे फोटो में दोस्तों एक में ब्लैक इफेक्ट को ऐड करना है, और दूसरा में दोस्तों आपको व्हाइट वाले इफेक्ट को ऐड करना है। यह काम दोस्तों मैं फटाफट कर ले रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने सारे फोटो में इस तरह के इफेक्ट ऐड कर दिए। इसके बाद दोस्तों, आपको वीडियो के फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले जाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको इस गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों, आपको इस वीडियो को ऐड कर लेना है दोस्तों। इस वीडियो का लिंक दोस्तों मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। सिंपल दोस्तों, आपको वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड कर लेना कुछ इस तरह से। और यहाँ से दोस्तों, आपको फिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर वेल्डिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों, आपको स्किन कर देना है, और सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको दोबारा दोस्तों इसी गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों, आपको इस लाइट वाले वीडियो को ऐड कर लेना है, इसको भी दोस्तों यहाँ से इनको फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको वैल्यूम वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से इनको स्किन कर देना है, और सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको दोबारा दोस्तों इसी गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको इस फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों, आपको इस PNG को ऐड कर लेना है दोस्तों, इसको भी दोस्तों यहाँ से फिल कर देना है। और दोस्तों, इसको सेलेक्ट करके वीडियो को लास्ट उतना कर देना कुछ इस तरह से दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको वीडियो को फर्स्ट तरफ कुछ इस तरह से चले आना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपना वीडियो को प्ले कीजिएगा तो आपका वीडियो कुछ इस तरह बनके रेडी हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, मेरा जो वीडियो है बहुत ही लवली लग रहा है स्टेटस दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको ऊपर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर सेव होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।